महिंद्रा के पवेलियन की खास बात यह है कि ये काफी बड़ा है और सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक गाड़ियों का पोर्टफोलियो महिंद्रा के पवेलियन में ही शो किया गया है। इसमें पैसेंजर कार के साथ साथ कमर्शियल गाड़ी भी है। इसके अलावा महिंद्रा ने 2-3 कॉन्सेप्ट मॉडल्स पेश किए हैं जिसको देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ लग रही है। आइए एक नजर डालते हैं महिंद्रा के पवेलियन में क्या खास है। महिंद्रा ने ऑटो एक्सपो 2018 के दौरान फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी थीम को शोकेस किया। इसी के तहत कंपनी ने कई नए प्रोडक्ट्स को शोकेस किया जिन्हें जल्द ही भारतीय बाजार में लॉन्च किया जाएगा। इन 6 इलेक्ट्रिक कारों में महिंद्रा KUV इलेक्ट्रिक, महिंद्रा XUV एरो इलेक्ट्रिक और तिवोली इलेक्ट्रिक शामिल थी। कंपनी ने पहली बार फ्यूचर इलेक्ट्रिक आर्किटेक्चर और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लेटफॉर्म को भी शोकेस किया। इसके अलावा महिंद्रा ने महिंद्रा स्कॉर्पियो की तर्ज पर तैयार स्टिंगर कॉन्सेप्ट को भी पेश किया। महिंद्रा एंड महिंद्रा के प्रेसिडेंट ऑटोमोटिव सेक्टर राजेंद्र वाढेरा ने कहा कि भारत सरकार ने साल 2030 तक देश को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कारों के लिए तैयार करने का संकल्प लिया है। हमारी कंपनी भी इस बड़े आंदोलन का हिस्सा बनना चाहती है और हम लगातार नई इलेक्ट्रिक कार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑटो एक्सपो 2018 के दौरान हम अपनी इलेक्ट्रिक कारों की नई रेंज दर्शकों के सामने रखेंगे। ये नई इलेक्ट्रिक कार बहुत जल्द भारतीय सड़कों पर दस्तक देने वाली है।